संदेश खाली पर फंसी ममता, दौड़ी दौड़ी मोदी से मिलने पहुंची। राष्ट्रपति शासन लगने से कोई नहीं बचा पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इलाका, जिसकी सच्चाई ने ममता सरकार की जड़ें हिला दी। सालों साल से चले आ रहे बेशर्मी भरे कांड की भनक ममता दीदी को ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन दीदी ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, इसे लेकर वो लगातार सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि अब बंगाल में सरकार बचा पाना ममता के लिए भारी हो रहा है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उठ रही है। इसी बीच एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही हड़कंप मचा दिया। तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को दो दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान वो राजभवन भी गए। जिस वक्त मोदी राजभवन में थे, उस वक्त राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनसे मुलाकात करने पहुंच गई। पीएम से ममता ने बात की और इसे प्रोटोकॉल के तहत शिष्टाचार मुलाकात बताया। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही कहा जा रहा है कि संदेश खाली पर फंसने के बाद और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग के बीच ममता ने ये मुलाकात की। हालांकि ममता ने मुलाकात के बाद सफाई देते हुए कहा कि पीएम के सामने राज्य के लंबित बकाए के मुद्दे उन्होंने रखे, कई चीजों पर चर्चा की, राजनीति से हटकर अलग अलग चीजों पर बात हुई, उन्हें मिठाई भी खिलाई। ममता बनर्जी ने पीएम से बात करने के बाद मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बातचीत करने के अलावा राज्य के मुद्दों का जिक्र किया, बाकी राजनीति से इतर हर मुद्दे पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने पीएम से इस दौरान क्या बात की वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिनमें पीएम बंगाल की सड़कों पर भव्य रोड शो निकाल रही हैं। उनके पीछे पीछे भारी तादाद में भीड़ देखी जा सकती है। ममता के गढ़ में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने जनता के बीच जाकर क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। जब परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी तो औद्योगिक गतिविधियां भी तेज होगी, इस इलाके के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी आजादी के बाद, उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। बहरहाल, आप ममता और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।